हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो इस समय मैं हूँ अपने मायके में। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी इस दिन का कि मैं कब जाऊँगी कब जाऊँगी। पूरे 6-7 महीने हो गए थे मैं आई नहीं थी। मम्मी कब से मेरी बुला रही थी कि कब आओगी कब आओगी। वो भी बुजुर्ग हो गई हैं, उनका भी तबीयत सही नहीं रहता, तो मन कर रहा था मिलने का। तो मैं इंतजार में थी कि मैं जल्दी ही चली जाऊँ। और मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो सासू माँ हैं, उनको कैसे ही अकेले छोड़ के आऊँ। और ये भी रहते हैं, टीचर हैं बलिया में, तो इनका भी छुट्टी नहीं रहता है। पहले मेरे ससुर जी रहते थे तो मैं आ जाती थी, लेकिन उनकी जब से डेथ हुई है तो मम्मी जी अकेले हो गई हैं, तो कैसे छोड़ के आऊँ। तो बस मेरी ननद हैं, तो उनके बच्चों का पेपर चल रहा था, तो अब पेपर ख़त्म हुआ था, मैं उनको बुलाई कल 1 हफ्ते के लिए। तो मैं तो बहुत खुश थी, अब मैं जाऊंगी। तो 1 हफ्ते रहेंगी, तो मैं आई हूँ यहाँ पे। भाभी हैं नहीं, भाभी गई हैं अपना दांत दिखाने, कोई है नहीं घर में। सुना सुना लग रहा है, भतीजी थी उसकी भी शादी हो गई, अपने ससुराल गई है, और भाभी गई हैं डॉक्टर के वहाँ, अभी आएंगी। मम्मी मेरी छत पे हैं, मैं भी मिलवाऊंगी उनसे, थोड़ा बाहर जाऊंगी घूमने उमने, थोड़ा बाग बगीचा फिर आपको दिख। तो आज मेरी छोटी सिस्टर आने वाली थी, वो आ गई है, मैं अभी उससे मिलवाती हूँ। मम्मी जी के पास बैठी है, मम्मी जी मेरी दवा ववा खा के सोई है, ये देखिए बैठी हुई है वीडियो बनाने के चक्कर में। उसका सारा हेलो वीडियो खत्म हो गया है। ये है मेरी छोटी सिस्टर। हेलो। आप लोग को जो भी वीडियो मेरा देखी होंगी वो तो बड़ी वाली दीदी को मेरी देखी होंगी। ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर, ये मेरी जान है। और ये आ गया बाबू, मेरा फूल लेके आया है। मैं तो इसको एकदम मतलब क्या ही बताऊं आप लोग को, मतलब शब्द नहीं है, शब्द शब्द नहीं है नहीं मेरे है, पास कहने के लिए। जान प्राण शब्द जो भी है। मैं तो और इसके क्या बात मिलने के लिए एकदम बेताब रहती हूँ, कब जाऊं समय ही नहीं मिलता है। है। हम दोनों सिस्टर कम है, जुगल जोड़ी ज्यादा। कोई देखता तो कहता ये चंगू मंगू। हम लोग चंगू मंगू। और ये इसका बेटा है, ये किधर आना बाबू, इधर आना। ये बाबू है इसका, ये बाबू, हाय बोलो हाय। ये बाबू है इसका, सब लोग इकट्ठा हुए। बहुत ठंडी इसलिए साल वालों के, इसको नहीं ठंडी लग रही इसलिए ये साल वाली वाली। भाई मुझे तो बड़ी ठंडी लग रही है। मैं वीडियो बनाने जा रही थी, ये आजकल वीडियो मेरा बनाने जा वीडियो रही चल थी, नहीं रहा है, मेरा तो यूट्यूब इसका डाउन हो भी गया वो है, ये भी वीडियो डालती है। इसका क्या है, तुम्हारा है। बिंदास बिंदास गुड़िया के नाम से है, तो रुको आप लोग इसको भी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। प्लीज। जो भी मतलब जो गलती हो उसको भी आप लोग बताइएगा कि क्या गलती है, तभी ना कोई सुधारेगा। एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं तभी कोई आगे बढ़ता है। ऐसे तो किसी के बस का नहीं है कि मतलब कोई अकेले ही कुछ कर ले, तो एक दूसरे का सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर हम लोग आज थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा मस्ती वस्ती कर लेंगे, थोड़ा अपने मम्मी से मिलवाते हैं। मेरी मम्मी है सोई हूँ, उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, उनके कमर में दिक्कत हो गई थी, कैमरा बैक कर दो। तो अभी मिलवाते हैं उनको। ये है मम्मी मेरी लेटी हुई है। कैसे हो अम्मा, बोलो तबीयत कैसा है, कैसा तबीयत है। कहा कैसा बहने तबीयत, का हम बहने लोग का भाषा थोड़ा मतलब वो जल्दी भाषा अवधी है। टाइप का है, तो ये मम्मी मेरी वैसे ही बोलती हैं, तो मतलब जो अब समझ दवाई वाई हुआ था पाए। बहने, हमारा बच्चा दवाइया हुआ था, बच्चा हमारा। अभी कल इनको डॉक्टर के वहां से दिखा के लेके आए हैं, तो पेट में सुई लगाने के लिए दिए हैं, और कमर में, और 1 महीने का दवा दिया। एज भी हो गया है, तो जिस वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। गोली तो खाई था, सुई अब लागत ठीक है। हो, सब लोग पूछ रहा आप ठीक हो, अब ठीक हो। अरे हाँ, कुछ आता नहीं तो नहीं, ठीक नहीं। अरे ना, तो इनको उठाने बैठाने में दिक्कत होती है, कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, कमर की मतलब हड्डी दब गई है,
हम लोग का भाषा थोड़ा अवधी टाइप का है, तो पता नहीं अवधी है, अब पता नहीं किसी को समझ में आता होगा नहीं आता होगा। अब हम लोग तो किसको किसको आता है, किसको किसको आता है कमेंट में बताइएगा अवधी भाषा। तो मम्मी की तबीयत तो भी वैसे ही कुछ नहीं आता है, तो हम सिखा देंगे। बड़ी वाली सिस्टर का इंतजार कर रहे थे, वो आई नहीं, वैसे तो आती तो थोड़ा अच्छा रहता लेकिन आई नहीं। अब हम लोग ही हैं, तो हम लोग चंगू मंगू अब देखो कब मिलेंगे। अब हम लोग ये सिद्धार्थ नगर, इसी को मैं कह रही थी कि ये सिद्धार्थ नगर में रहती है, टीचर है, इसको जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो मैं आ जाती हूँ मिलने। कभी भी मैं ही क्या करूँ, मैं भी तो बहुत दिक्कत में रहती हूँ, कभी कभी इंतजार करती हूँ कब जाऊंगी मिलने, कब जाऊंगी मिलने, ये इंतजार करती है कब आएगी कब आएगी। ये भी जाती है गोरखपुर दिखाने खाने, इसका भी दवा चलता है, थोड़ा दिक्कत है तो वहाँ मिल लेते हैं। वैसे मायके में आके मिलना उसका बात ही कुछ अलग ही रहता है, आप लोग जो मतलब समझते होंगे, और ऐसे मिलना कुछ अलग ही रहता है। तो वही आई है, ये कल चली जाएगी, परसों मैं भी चली जाऊंगी, इसीलिए मैं पहले जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। इसके पहले ये पहले हम जाते थे तब ये जाती थी, तब मैं रोती थी मैं पहले चली जाऊंगी तब मैं रोऊंगी नहीं। अब ये नहीं रहेगी, अब ये हमको रुला के जाएगी। फिर इसको तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ, ये तो एकदम इसको क्या ही बताऊं मैं, मतलब कुछ कह नहीं सकती, लगता ही नहीं है कि ये मेरी छोटी सिस्टर है, क्या ही बताऊं बता नहीं सकती। तो हम लोग आ गए हैं अब बाग में, ये भी आई है, देखिए मेरे पीछे पीछे भागाती है। यहाँ एक नींबू का पेड़ है, आपको दिखाते हैं कितना मस्त नींबू लगा है, पीला पीला हो गया एकदम संतरे जैसे। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर नींबू लगा है, मस्त एकदम। अब इसको तोड़ के मैं ले जाऊंगी, थोड़ा अचार डालूंगी इसका, तब आप लोग को खिलाएंगी, तो आप लोग को खिलाऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना मस्त मस्त नींबू, सब गिर जाता है पक पक के, कोई खाने वाला ही नहीं। मैं भैया से बोली कि मुझे दे देना थोड़ा, मैं ले जाऊंगी, बहुत सारा लगा हुआ है।